मस्त जगह है भाई, बहुत मस्त जगह है। हो सके तो एक बार भीमा शंकर जरूर आना, अगर पुणे या पुणे के नियर बाय में कहीं भी हो तो भाई। वहां से वाटरफॉल, यहाँ से वाटरफॉल, वहां भी कई सारी जगह से वाटरफॉल आ रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फिर से एक और वीडियो, बोला था आपको पिछली वीडियो में भीमा शंकर जाने का प्लान कर रहा हूँ और प्लान हो गया भाई, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपन। ये खड़ी बाइक लोडेड, पीछे विकास आ रहा है और अपने साथ में एक भाई और है और एक सुमित जी भी अपने साथ, आपने शायद देखा होगा पुराने वीडियो में, ये भी आ गया। बारिश आती सारे केचुए बाहर आ जाते हैं पानी से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं भीमा शंकर, अभी नियर बाय तलेगांव के, और यहाँ से ऑलमोस्ट कितना रहने वाला है, 70-75 किलोमीटर, 80 किलोमीटर अराउंड रहने वाला है। गाइड करने वाले अपने को सुमित सर, सब लोग उनको फॉलो करेंगे, फॉर्मेशन में सबको समझाया ना। हर हर महादेव। चलिए भाई, ये हो गया फॉर्मेशन, अपन चलेंगे सबसे पीछे। विकास मिश्रा को कभी कभी अपन पीछे कर देंगे तो मजे आएंगे उसमें, बाकी सर अपने को लीड करने वाले हैं और भाई पीछे चलते हुए मज़ा आता है क्योंकि सबका पता चलता है कौन कहाँ किस गड्ढे में जा रहा है, अपन सबसे सेफ रहते हैं पीछे। मानसून में आने का फ़ायदा देखो, ये पहाड़ है सामने, इसकी चोटी पूरी बादलों में घिरी हुई है और यहाँ का व्यू देखो, ये पूरा मतलब प्लेन एरिया है, पीछे पहाड़ है वो भी पूरा उसमें घिरे हुए बादलों में, पीछे की साइड में बारिश हो रही है, मेरे को बारिश होती हुई दिख रही है अभी, पता है सामने से बारिश आ रही है। इफ यू कैन सी भाई, देखो वो वाला जो एरिया उधर पे, उधर से बारिश आगे आती हुई दिखाई दे रही है। ये डिसेंट देख रहे हो, यहाँ से बिल्कुल एकदम नीचे उतरना है और मैं इसको अपना लो गियर में डाल के छोड़ दूंगा भाई, ना इंजन ब्रेकिंग काम कर देगा, मेरे को ब्रेक लगाने की भी जरूरत नहीं है। और सामने अपने कोई रिवर है या डैम भी हो सकता है भाई, कोई पता नहीं यहाँ पर कब रिवर आ जाए कब डैम आ जाए पता नहीं चलता, अपने को लेक भी हो सकती है। इस तरह के भी आप नीचे उतर रहे हो, सामने एकदम लेक भाई, ये होता है भाई तगड़े व्यू, मज़ा ही आ गया। पहला व्यू अपना देखने में व्यू, ये देखो भाई भाई अलग ही मजा है यहाँ चलाने का, सच में मतलब और कुछ है ही नहीं, मतलब मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि बाइक अब चलाते टाइम चारों तरफ इस तरह के नजारे ना भाई। और बाइकर्स जब अपने रहते हैं तो अपने को पता है कहाँ रुकना है, कैसे एक ही फॉर्मेशन में सब चल रहे होते हैं, और अपने पास एक फायदा होता है भाई कि मैं साइडलिंग भी कर सकता हूँ, खड़े होकर भी चला सकता हूँ, बैठ के भी चला सकता हूँ, और वो लोग को दिक्कत होती है, जहाँ भी दच्ची आते हैं तो मैं बड़े कंफर्टेबली निकल जाता हूँ। बाकी सो फार सो गुड, मजा बहुत आ रहा है, बारिश अभी तक नहीं मिली, आई होप आगे भी ना मिले, ऐसे ही बादल मिलते रहे तो मजा ही आ जाएगा भाई। देखो भाई ये नज़ारे कहाँ मिलते हैं, देखो ऊपर पहाड़ में पूरे पर विंड व्हील्स लगे हुए हैं और कभी बादलों में ढक जाते हैं कभी ऐसे चलते रहते हैं, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे पर विंड व्हील्स लगे हुए हैं, मतलब अलग ही है। अभी अगर मैं आगे होता तो मैं सुमित जी को बोलता कि भाई रुको थोड़ी देर, अपने को यहाँ फोटो निकालना है, पर यार अभी क्या ना मैं पीछे रह जाऊँगा सबसे, तो अभी चलते हैं लौटते में प्लान करेंगे फोटो वगैरह निकालने का भाई, बाकी मतलब एक नंबर जगह भाई ये, बोला कि फोटो लेते हैं और आगे जाके सुमित जी रुक गए भाई, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बाकी अब यहाँ फोटो क्लिक करते हैं अच्छे से क्योंकि यहाँ पीछे विंड व्हील्स भी आ जाएंगे और एक एक करके हम लोग अपनी बाइक भी लगा लेंगे इधर ही। हम लोग यहाँ पर रुके काफ़ी देर, फोटोशूट भी किया विकास का भी मेरा भी, हम सबने फोटोशूट किया, उधर सर भी खड़े हुए हैं और पता नहीं भाई कैसे फोटोज आए होंगे, वो आपको इंस्टाग्राम पर पता चल जाएगा, वहाँ पर जाके फॉलो कर लेना, बाकी जगह बहुत प्यारी, हम लोग रुक रुक के ऐसी फोटोज निकाल रहे हैं और मैं भी निकाल रहा हूँ भाई, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है रुक रुक के, हमें कोई जल्दी नहीं है जाने के लिए, मस्त तो फोटो निकाले, और मुझे पता नहीं इसकी रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है क्योंकि इसका आगे फॉग आ गया भाई इस जगह पर, तो मैंने इसका पूरा सेटअप जो बनाया था ये मैं चालू छोड़ दिया तो गर्म होकर इस जगह पर फॉग आ गया, पता नहीं कितनी देर लगेगी इसको सही होने में, बट हाँ मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इधर का व्यू पॉइंट अच्छा लग रहा है, मस्त जगह है भाई, बहुत मस्त जगह है। हो सके तो एक बार भीमा शंकर जरूर आना, अगर पुणे या पुणे के नियर बाय में कहीं भी हो तो भाई, और इसी वाले रास्ते से आना, गूगल मैप पे लगाना दिखता है ये रास्ता, हाईवे से मत जाना भाई। अरे यार ये जगह देखो, वहाँ से वाटरफॉल, यहाँ से वाटरफॉल, वहाँ भी कई सारी जगह से वाटरफॉल आ रहा है, वाटरफॉल शुरू हो गया मतलब भाई, तगड़ा ये तगड़ी जगह है यार, ये तो मज़ेदार लग रहा है यार। वो सामने देख रहे हो आपको कितने सारे वाटरफॉल है, पानी ऊपर सारा नीचे तक आता जा रहा है, और ये जगह ना मेरे को थोड़ी थोड़ी लग रही है मुन्नार के जैसी, मैं जब मुन्नार से आया था ना बस वहाँ पे, और यहाँ में इतना फ़र्क है कि यहाँ के पहाड़ थोड़े हाइट कम है और यहाँ पे चाय के बाग नहीं है, वहाँ पे हर पहाड़ पर चाय के वो पेड़ लगे हुए थे, बस उतना फ़र्क है। और भाई नीचे देख रहे हो अब कितनी कितनी डेप्थ है ये,
वड़ा पाव ब्रेक, बारिश ज़्यादा तेज़ होगी तो अपन ने एक वड़ा पाव ब्रेक, बाकी जगह बहुत अच्छी है। आपने जो स्पॉट बताया था ना उसके लिए बहुत तगड़ा था, मज़ा आ गया। और जो पुल पे जो अपन लोगों ने शॉट्स निकाले, फोटोज निकाले, रील्स रील्स भी अपन लोग बना के डालने वाले हैं, तो वो शूटिंग तो होगी, बाकी देखने के लिए मिलेगा इंस्टाग्राम पर भाई, मज़ा ही आ जाएगा इस बार। और बारिश थोड़ी तेज़ है तो सर अपन देखिए यहाँ से कितनी दूर हो रहा है भीमा शंकर, अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा ना, और भीमा शंकर का अपन एक टेम्पल रहेगा, बाकी इससे अलग और भी है वहाँ पर देखने के लिए, और क्या रहेगा। भीमा शंकर करके एक प्लेस है जहाँ पे भीमा नदी का उगम स्थान है, मतलब वहाँ से वो स्टार्ट होती है। ओके, कौन सी नदी? भीमा, भीमा नदी वहाँ से स्टार्ट, तो वहाँ भी जाने वाले हैं, प्लान कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो वहाँ जाके वो भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, खाते हैं फिर उसके बाद देख लेंगे, तभी मिलेंगे। देखो जरा, मतलब पूरे में अंधेरा छाया हुआ पेड़ों की वजह से, नेक्स्ट लेवल भाई, क्या रोड है ये। अगर बारिश हल्की सी भी कम होती ना भाई, तो मैं कैमरे से यहाँ पर रील बना देता 100%। अभी बारिश काफ़ी तेज है, इधर स्लो करना पड़ेगा अपने को, मतलब स्पीड सबकी स्लो हो जाएगी। अभी फाइनली पहुँच गए भीमा शंकर मंदिर के पास में, अभी देखते हैं बाइक पार्किंग में लगाते हैं, देन उसके बाद जाएंगे मंदिर सबसे पहले। तो भाई पहुंच गए भीमा शंकर मंदिर की लाइन में, और जहां बाइक पार्क करी उससे लगभग कोई 200-300 मीटर नीचे आना पड़ता है, उसके बाद यहां पर मंदिर है, और लाइन लगा रहे हैं अपन, आगे जाके उतारेंगे अपने जूते वूते सब, मंदिर के पास इजीली उतर जाएगा। और मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। और एक और चीज़ जो मुझे पता चली कि यहां से जो भीमा नदी है उसकी भी मतलब स्टार्टिंग यहीं से, जो उत्पत्ति जो स्थिति वो यहीं से है ना, तो भाई ये अपने को पता चला, तो सोचा आप लोगों को बता देते हैं। बाकी भाई अंदर जाएंगे, हेलमेट पर सब ऐसे ही लगा के रखा हुआ, हेलमेट भी नहीं उतारे अपन ने, ऐसे ही चल रहे सब, बारिश से भी बच रहे हैं, फिर हेलमेट पकड़ना भी नहीं पड़ेगा। तो भाई दर्शन कैसे हुए? दर्शन मंदिर बोले बाबा को छू लिया, वही बड़ी बात। मंदिर में कैमरा अलाउड नहीं था, पर अपन बाहर तो कर सकते हैं, और जस्ट पीछे मंदिर भाई अपन ने वहाँ रिकॉर्डिंग नहीं करी बिल्कुल भी, ऑल द लोग कर रहे थे। और इस तरह की जो चीज़ें दिखती है ना, ये इनको देख के मतलब अंदर से एक अलग ही फील आता है, क्योंकि ये ऊपर से ला के रखा नहीं गया है, पत्थर के बीच में मतलब काट काट के तब बनाया गया है भाई। तो इस तरह की चीज़ें बहुत रेयर होती है, देखने के लिए मिल जाती है, तो भाई मन बड़ा शांत होता है। अभी मंदिर के दर्शन में बहुत अच्छे से जा रहे हैं हम लोग वापस।